वैक्सीन तो वैक्सीन, वैक्सीन के सर्टिफिकेट पर भी सियासत हो रही है। अब बीजेपी की सहयोगी ने भी वैक्सीन के सर्टिफिकेट पर सवाल उठा दिए। देश में वैक्सीनेशन की रफ्तार पर सियासी वार चल ही रहा था, अब वैक्सीन के सर्टिफिकेट पर भी सियासत शुरू हो गई है और वजह है सर्टिफिकेट पर पीएम मोदी की तस्वीर। सवाल उठाने वालों में बीजेपी के विरोधी और साथी दोनों शामिल हैं। बिहार के पूर्व सीएम और एनडीए के साथी जीतन राम मांझी ने ट्वीट करते हुए लिखा, देश में संवैधानिक संस्थाओं के सर्वेसर्वा राष्ट्रपति हैं। इस नाते उसमें राष्ट्रपति की तस्वीर ही लगनी चाहिए। तस्वीर लगानी ही है तो राष्ट्रपति के अलावा पीएम और साथ में सीएम की भी तस्वीर हो। देखिए, हमारी पार्टी का स्पष्ट मानना है कि देश के संवैधानिक संस्थानों के सुप्रीमो महामहिम राष्ट्रपति होते हैं। इस नाते वैक्सीन के सर्टिफिकेट पर महामहिम राष्ट्रपति की ही तस्वीर लगी होनी चाहिए। कुछ लोग कह रहे हैं कि लोगों में विश्वास जगे इसलिए माननीय प्रधानमंत्री जी की तस्वीर लगाई जा रही है। मैं वैसे लोगों को बता देना चाहता हूं कि सरकारी डाटा कहता है कि इस देश के 1% भी दलित आदिवासी भाइयों ने अभी तक वैक्सीनेशन नहीं कराया है, उनमें खौफ है। वैसी परिस्थिति में देश के महामहिम राष्ट्रपति दलित हैं, दलितों में उनके चेहरे को देखकर विश्वास जगेगा, इसलिए वैक्सीन के सर्टिफिकेट पर महामहिम राष्ट्रपति जी की ही तस्वीर लगी होनी चाहिए। अगर कुछ लोगों को लगता है कि प्रधानमंत्री जी की भी तस्वीर लगाई जाए तो हमारा आग्रह है कि महामहिम राष्ट्रपति के साथ साथ माननीय प्रधानमंत्री और स्थानीय मुख्यमंत्री की भी तस्वीर आप लगाएं। वैसे एक चीज मैं और स्पष्ट तरीके से बता देना चाहता हूं कि अगर आप वैक्सीन के सर्टिफिकेट पर तस्वीर लगवा रहे हैं तो जिन लोगों की मृत्यु भी कोरोना के कारण हुई है उनके मृत्यु प्रमाण पत्र पर भी तस्वीर लगी होनी चाहिए। अगर आप वहां वही लूट रहे हैं तो गाली सुनने के लिए भी तैयार रहना होगा। आप अगर वैक्सीनेशन के सर्टिफिकेट पर अपना चेहरा चमका रहे हैं तो डेथ सर्टिफिकेट पर भी आप ही की तस्वीर लगेगी ना। मतलब चेहरा चमकाइए आप और गाली सुने कोई और, अब ये नहीं चलेगा। अब बीजेपी की इस पर क्या प्रतिक्रिया रहती है वो देखने वाली बात होगी। तस्वीर को लेकर छत्तीसगढ़ और झारखंड में भी विवाद शुरू हो चुका है। झारखंड के बाद छत्तीसगढ़ में वैक्सीनेशन सर्टिफिकेट पर पीएम की तस्वीर हटाकर सीएम भूपेश बघेल की तस्वीर लगा दी गई है। छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री जी को इस बात की चिंता नहीं है कि छत्तीसगढ़ से 18 साल के ऊपर के लोगों का जीवन बचाया जा सके, उनको वैक्सीन लगाया जा सके, उनको अपनी फोटो छपवाने की चिंता है। क्या उनका लगा हुआ फोटो इंटरनेशनल मान्यता मिलेगी? कोरोना वैक्सीन के सर्टिफिकेट पर तस्वीर को लेकर शुरू हुई ये तकरार और बढ़ सकती है। ABP News, आपको रखे आगे।